किया जा रहा है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बाबा व्यवस्था कैसा है यहाँ पर? ठीक है, फैन है सर, फैन है। हाँ तुरंत आपके घर में भी लोग हाँ राइट, बहुत अच्छा लग रहा है और सरकार हम लोगों को बहुत सुविधा दिए हैं, बहुत अच्छे से घाट बनाए हैं और हम लोग अच्छे से पर्व कर रहे हैं। हम आए हैं आर के भट्टाचार्य रोड से, घर भैया हमको दिए है, मेरा लड़का का नौकरी लगा है, इसी खुशी में हम छठ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और क्या कहेंगे, छठ मैया उनकी भी सब इच्छा पूरा करे और आगे लोगों को सेवा करते हैं और करते रहे। दर्शकों देखिए, राजा पुल बांस घाट के पहलवान घाट पर इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं और यहां पर हम आपको व्यवस्था दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से व्रतियों के लिए अच्छा खासा व्यवस्था यहां पर किया गया है। तस्वीरों में देखिए, यहां पर आज से नहाए खाए का ये पहला दिन है और आज से शुरुआत इसकी हो चुकी है। यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, छठ माता की पूजा अर्चना भी की जा रही है और जो वॉच टावर होता है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया है। साथ ही साथ आपको हम दिखाना चाहेंगे कि चेंजिंग रूम भी यहाँ पर बनाया गया है, नियंत्रण कक्ष भी है, चेंजिंग रूम है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं कि जो व्रती हैं कपड़ा पहनते हैं नहा के। कई व्रती तो ऐसे होते हैं कि रात के समय यही रुक जाते हैं और यहाँ से रुकने के बाद वो यहीं पे सुबह में अर्घ के वक्त का इंतजार करते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये चेंजिंग रूम बनाया गया है। चलिए इधर चलते हैं, दिखाते हैं पहलवान घाट पर और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ आपको दिखाना ये भी चाहेंगे कि नौका यान भी है और देखिए यहाँ पर चेंजिंग रूम वन है, यहाँ पे तीन चार चेंजिंग रूम लाइन से बनाए गए हैं और आज से यहाँ पर देखिए पूजा अर्चना भी यहाँ पे की जा रही है, भगवान सूर्य को अर्घ भी दिया जा रहा है। जरा उन तस्वीरों को भी दिखा दीजिए कि किस तरीके से पूजा अर्चना भी किया जा रहा है, अर्घ भी दिया जा रहा है, आज लोग नहा रहे हैं और माहौल देखेंगे तो पूरी तरीके से माहौल यहाँ पर बना हुआ है। छठ की आज से शुरुआत हो रही है, तमाम घाटों की तस्वीरें जरा देखिए, इस तरफ देखिए पूजा अर्चना भी यहाँ पर चल रहा है तो उसकी भी जरा हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि पूजा अर्चना भी यहाँ पर किया जा रहा है। आज से छठ की शुरुआत हो गई है, गंगा मैया का पूजा हो रहा है, पूजा अर्चना की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पे किया। चाची पूजा कर रही है, कैसा लग रहा है छठ का माहौल में इस बार? ठीक है, लग रहा है, बढ़िया है। क्या कहेंगी बच्चा? ठीक रहे दीदी लोग भी है, कैसा लग रहा है छठ में इस बार दीदी? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। क्या आपको कर रही है? हाँ कर रहे हैं। क्या मांगेगी छठ में? बाल बच्चा के लिए, पति के लिए, सब सब भगवान के लिए, सब सुख सब अच्छा रहे। माहौल है इस बार छठ का? अच्छा माहौल है, हाँ बढ़िया लग रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। क्या मांगेगी छठ मैया से? छठ मैया से मांगे पूरा सब परिवार खुश रहे, देश देश सब अच्छा रहे, आजाद रहे, सब अच्छा रहे, खुशी खुशी रहे। बात हो रही है पूजा अर्चना, अच्छा लग रहा है, सब अच्छा व्यवस्था। और भी लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करेंगे और किस तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पे किया जा रहा है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बाबा व्यवस्था कैसा है यहाँ पे? ठीक है, फैन है सर, फैन है, फैन है। आपके घर में भी लोग? हाँ देखिए पूजा अर्चना यहाँ पे हो रहा है तो हम व्यवस्था थोड़ा सा वहाँ पे दूरी ज्यादा है, दूरी तो है ज्यादा, मोटरसाइकिल से आए हैं, मोटरसाइकिल से आए हैं, महेंद्रो घाट जाएंगे, तो महेंद्रो घाट हाँ। तो देखिए किस तरीके से महिलाएं यहाँ पे पूजा अर्चना की कर रही हैं। चाहती है बातचीत करना चाहिए, कैसा माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सरकार हम लोगों को बहुत सुविधा दिए है, बहुत अच्छे से घाट बनाए हैं और हम लोग अच्छे से पर्व कर रहे हैं। हम आए हैं आर के भट्टाचार्य रोड से, जी बगल में ही एग्जीबिशन रोड की पूरा भट्टाचार्य रोड पड़ती है, वहीं से हम लोग आए हैं, बहुत नजदीक है हम लोगों को। और कौन कौन आएगा जो घाट है, जो शाम का होगा सुबह का? मेरा सब परिवार लोग आएंगे, सब बच्चे लोग आएंगे, यहाँ से हम लोग महेंद्र घाट अर्घ देने जाएंगे क्योंकि यहाँ पे घाट बहुत कम है, इसीलिए बहुत ज्यादा आदमी तो एडजस्ट होंगे नहीं, इसलिए हम लोग महेंद्र घाट अर्घ देंगे और हमारे सब परिवार रहेंगे। मेरा चार लाख छठ मैया हमको दिए है, मेरा लड़का का नौकरी लगा है, इसी खुशी में हम छठ कर रहे हैं, कंप्यूटर टीचर में लगा है, बेटे के लिए जी पीएससी से लगा है, उन्हीं के लिए मैं छठ कर रही हूँ। और हाँ मन्नत मांगे थे कि मैं बच्चा का नौकरी हो जाए तो हम छठ रखेंगे,
और फिर मेरा नया पोता आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुशी से छठ कर रही हूँ। शादी कर लिए हैं, जिनका नौकरी लगा है उनका नहीं हुई है। यस यस सर, बहुत सुंदर बहुत प्यारी आवे, हम लोग को मान सम्मान करे ना करे, अपने हस्बैंड को बहुत इज्जत करे बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और क्या कहेंगे, छठ मैया उनकी भी सब इच्छा पूरा करे और आगे लोगों को सेवा करते हैं और करते रहे, सबका धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से जो बीपीएससी शिक्षक बहाली हुई थी, उस बहाली में एक चाची हैं, इनके बेटे की नौकरी लग गई है और काफी दिनों से मन्नत मांगी हुई थी, तो छठी मैया ने इस बार इनकी मन्नतों को पूरा कर दिया है और इस वजह से ये व्रत कर रही है और काफी खुश नजर आ रही है, चेहरे पे खुशी है। और छठी मैया से ये मांग रही है कि बिहार सरकार और साथ ही साथ जो प्रक्रिया हो रही है इस वक्त सरकारी नौकरी की, वो हमेशा जारी रहे। तो आप देख सकते हैं पहलवान घाट की तस्वीर है और पहलवान घाट में किस तरीके से व्रती जो है वो पूजा कर रहे हैं। तस्वीर जरा दिखा दीजिए किस तरीके से सूर्य भगवान को ये लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, और काफी सुखद तस्वीर आपको इस वक्त देखने को मिलेगा पहलवान घाट पर। ऐसे ही तमाम घाटों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, फिलहाल जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।